आपने पहले कई वीडियो में देखा होगा, कई बार मैंने भी बताया है कि संभोग करने से पहले व्यक्ति को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि संभोग करने के बाद, मान लो कि अगर आपने सेक्स कर लिया है, पति और पत्नी एक दूसरे का भोग कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या क्रिया करनी है। जैसा कि संभोग में पुरुष अपने वीर्य को त्याग कर योनि में छोड़ देता है, तो इसके बाद पुरुषों में जो वीर्य की कमी होती है, जो वीर्य क्षीण हो जाता है, उसकी भरपाई करने के लिए कुछ ऐसे तीन नियम कहे गए हैं। वैसे तो महर्षि वाग्भट ने कई सारे ऐसे नियम बताए हैं, लेकिन आज के टाइम पर प्रैक्टिकल रूप से आप क्या कर सकते हैं, उनमें से आपको टॉप 3 बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने संभोग किया है रात को और आप संभोग करने के पूरे नियम का पालन करते हुए संभोग कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको जो शरीर को दोबारा से पुष्ट करने के लिए, दोबारा से शरीर में नया वीर्य बनाने के लिए जो क्रिया करनी है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना है स्नान। जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि स्नान एक वीर्यवर्धक क्रिया है। अब स्नान से पहले आप मालिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप पर डिपेंड है, लेकिन आपको करना है स्नान। आपको अपने शरीर पर जल डालना है और विशेष करके इसमें आपको अपने लिंग को अच्छे से साफ कर लेना है, जिससे जो बैक्टीरिया आपके लिंग पर चिपक गए थे वह नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पीना है दूध। उसमें आपको डाल लेनी है धागे वाली मिश्री। मार्केट में एक कटिंग वाली मिश्री आती है और एक आती है धागे वाली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। इसमें आपको ये वाली मिश्री का पाउडर आपको मिला लेना है दूध में। अब मात्रा की बात करें तो स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से देख लेना। अब इसमें आपको दूध और मिश्री का सेवन करना है। इसमें आपको डाल लेना है घी, देशी गाय का घी। ये दूध, मिश्री, घी, ये क्या करती है कि हमारे वीर को बढ़ाती है, तेजी से बढ़ाती है। घी के बारे में ऐसा कहा गया है कि घी सीधा जाकर हमारे वीर को पोषित करता है, इसलिए ज्यादातर वाजीकरण औषधि में घी का उपयोग होता ही होता है। इसलिए विशेष करके आपको घी, दूध और मिश्री, इन्हें तीन का सेवन आपको रात को सोते समय करना है। अब दूध पीने के बाद आपको कुछ देर तक छत पर चंद्रमा की रोशनी का सेवन करना है, चंद्रमा की रोशनी में रहना है। इसमें आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे तक रह सकते हैं, और इसमें भी आपको सिर्फ कच्चा पहनकर, यानी कि जो चंद्रमा की रोशनी है वह आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर लगे। जैसे सुबह सुबह सूर्य की रोशनी फायदेमंद होती है, ऐसे ही रात के समय चंद्रमा की रोशनी आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। यह आपको अंदरूनी रूप से आपके शरीर का बल बढ़ाती है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारे शरीर का बल है वह चंद्रमा पर निर्भर होता है। एक एग्जाम्पल देखने की, चंद्रमा का समय कब होता है, यानी कि हमारे चंदा मामा कब ज्यादा रहते हैं, यह रहते हैं ठंडियों के टाइम पर, यह रहते हैं हेमंत ऋतु के टाइम पर। जिस समय हमारे चंदा मामा ज्यादा रहते हैं और हमारे सूरज दादा कम रहते हैं, और ठंडियों के टाइम पर ही आप देखना कि आपके शरीर में ज्यादा स्फूर्ति रहती है, आपके शरीर में ज्यादा ताकत रहती है। अब इसमें अगर हम गर्मियों के मौसम में जाने तो गर्मियों के मौसम में आप खुद देखना, खुद नोटिस करना कि आपके शरीर का बल वैसे कम हो जाता है। तो आपको रात को सोते समय चंद्रमा की रोशनी का सेवन करना है। अब इसके आगे अंतिम क्रिया है, वह है सोना। और इसमें आपको एकदम सुख सहिया पर सोना, यानी कि अच्छे बिस्तर पर, और जिस दिन आपको संभोग किया है उस रात में आपको अच्छे से सोना है, एक क्वालिटी वाली नींद लेनी है। हो सके तो अगर आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में न उठ पाए, कोई जरूरी बात नहीं, लेकिन उस दिन आपको एक क्वालिटी वाली नींद लेनी है। एक अच्छी नींद भी हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है, जो कि हमारे संभोग करने की शक्ति, जो कि हमारे शरीर में वीर बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।